जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मोर इंडिया ट्यूब। तिलदा न्योरा के कथा स्थल पे रात के समय पे आ गया है ब्लॉगिंग करने। और आप लोग देख सकते हो कथा स्थल पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि लगातार हो रहा बारिश के वजह से पूरा कथा स्थल में पानी भर जाने के कारण सभी श्रद्धालु बीच में ही आधा पंडाल छोड़ के अपने अपने घर चल गए हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं। आप लोग देख सकते हो फ्लोर पूरा गीला हो चुका है। तो आओ ब्लॉग में बनी रही है और देखते हैं आगे कैमरा में क्या है। ये रात के समय में आप लोग देख सकते हो कथा स्थल मेन मुख्य पंडाल पूरी तरह खाली है। और आप लोग देख सकते हो फ्लोर नीचे का गीला हो गया है। गीला होने के वजह से लगभग पूरा मुख्य पंडाल खाली है दोस्तों। रात के समय है, देख लो सब इधर उधर भटक रहे हैं गीला होने के वजह से। और आप लोग देख सकते हो रेलिंग में सब अपने कपड़ा को सुखाने के लिए डाले हैं ताकि सूख जाए। तो आओ चलते ब्लॉग में, देख सकते हो मुख्य पंडाल का नज़ारा। पूरा खाली, सबका कपड़ा सूखा हुआ है रेलिंग पे, क्योंकि लगातार हो रहा है बारिश। ये आप लोग ये भी देख सकते हो मुख्य पंडाल के जस्ट बगल वाला पंडाल पूरी तरह खाली है। और ये आप लोग देख सकते हो गीला होने के वजह से आधे से ज़्यादा लोग अपने अपने घर चल गए हैं, ताकि रोज़ आ जाए। पास वाले जो हैं यहाँ पर वो दूर वाले हैं। देख सकते हो ये पूरा यहाँ का माहौल बरसात ने बिगाड़ दिया, पूरा तबाही मचा दिया है, नुकसान बहुत हुआ है। आप लोग देख सकते हो मुख्य पंडाल पूरी तरह खाली है, देख सकते हो दोस्तों। खाना पानी सब चल रहा, रात का समय, कीचड़। आप लोग को चारों तरफ घूम के ब्लॉगिंग करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। छोटा लग रहा था जगह, माना उसके बाद ठीक है। पूरा भीड़ रात का नज़ारा। तो आप लोग देख रहे हो दोस्तों मोर इंडिया ट्यूब आप लोग को तिलदा न्योरा के कथा स्थल पे लेके आया, जहाँ से ब्लॉगिंग करके दिखा रहा हूँ मैं संजय वर्मा। आप लोग मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कथा स्थल पूरा तहस नहस हो गया है सुबह से हो रहा बारिश के वजह से। ये पंडाल के बाहर का नज़ारा दोस्तों, आप लोग देख सकते हो जितना दिन में माहौल होता है उतना ही रात में होता है। पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ है, छकाछक लबालब। और ये पंडाल, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पंडाल पे, मुख्य पंडाल के जस्ट बगल वाले पंडाल पे। आप लोग ब्लॉग में बनी रहिए, कंटिन्यू रात का ब्लॉगिंग करके दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो बाकी जैसे दो पंडाल का हाल है वैसे इसी पंडाल का भी हाल है। मुख्य पंडाल के जस्ट बगल वाला डोम सेट और खाली खाली, क्योंकि बारिश होने की वजह से ज़मीन गीला हो गया, पानी भरने के कारण सब अपने अपने घर चले गए। आप लोग देख सकते हो खाली चारों तरफ, रात का माहौल। मोर इंडिया ट्यूब आप लोग को लेके आ गया है तिलदा न्योरा के कथा स्थल, कांवड़ शिव महापुराण कथा स्थल तिलदा न्योरा। रात का ब्लॉगिंग, रात में भी जितना माहौल है, जितना सुबह होता है माहौल उतना रात में भी होता है। तो आप लोग ब्लॉग में बनी रहिए और देखते रहिए कांवड़ महापुराण का ब्लॉग, प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले। रात का माहौल, सब तरफ पानी ही पानी, तबाही। अचानक रात में इतना भीड़ क्यों है, चलो भीड़ की ओर चल के देखते हैं भीड़ में है क्या। खाना पीना, खाना बैठ रहा है खाने के लिए भी। भगदड़ खाने के लिए भगदड़ मच चुका है, देख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों भीड़ क्यों है, खाना के लिए भीड़, क्योंकि यहाँ पर खाना पानी दाना सब मिलता है कथा के साथ।
आनंद से यहाँ मजा लीजिए कथा का। और ये भीड़ देख सकते हो, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल में अगर आप आ गए तो खाना पानी का चिंता नहीं, यहाँ पर नाश्ता खाना सब बढ़ता है। देख सकते हो भीड़, चाय नाश्ता ले रहे हैं सब भाई लोग। देख सकते हो जगह जगह पे खाना वितरण किया जा रहा है, चाय नाश्ता खिचड़ी। घूम घूम के मोर इंडिया ब्लॉग, सॉरी मोर इंडिया ट्यूब आप लोग को घूम घूम के ब्लॉगिंग करके दिखा रहा है। नाइट का समय है, देख सकते हो ये आखिरी पंडाल, ये भी खाली। आप जहाँ भी नज़र मारोगे चारों ओर आप लोग को पानी ही पानी दिखेगा। देख सकते हो दोस्तों लाइन, खाना के लिए लाइन। केला वितरण किया जा रहा है यहाँ पर। केला के लिए भगदड़ मच चुका है, लाइन से लाइन। गाड़ी भर के पूरा केला, देख सकते हो पूरा गाड़ी भर के केला लेके आए हैं। तो दोस्तों मोर इंडिया ट्यूब आप लोग को रात के समय तिलदा न्यूरा के पंडाल पे लेके आया था और ब्लॉग दिखाया। तो आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं।